करेंगे बिलासपुर का, जहां बीजेपी नेता आनंद कुमार साय का बयान सामने आया है। प्रदेश में आदिवासी नेतृत्व की जरूरत है, ये उनका कहना। आदिवासी वर्ग को अब तक नेतृत्व का मौका नहीं मिला है, वहीं एसटी बाहुल्य होने के बाद भी मौका नहीं मिला, ये आनंद कुमार साय का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस ने नकली आदिवासी को प्रदेश का नेतृत्व सौंपा था, तो बीजेपी नेता आनंद कुमार साय का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि मरवाही में चुनौती को अवसर में बदलेगी बीजेपी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, बीजेपी नेता आनंद कुमार साय का बड़ा बयान उपचुनाव के पहले सामने आया है और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। देखिए, जिस तरह से मरवाही चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद से ही अगर कहें तो राजनीतिक जो बयानबाजी का दौर है वो जारी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष भाजपा, लगातार दोनों पार्टी के जो आला नेता है, तमाम जो बड़े नेता है, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज नंद कुमार साय भी, क्योंकि मरवाही दौरे पर है, आदिवासी नेता है नंद कुमार साय, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है मरवाही, लिहाजा इनको भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। इसी कड़ी में आज नंद कुमार साय बिलासपुर के अल्पप्रवास में पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कांग्रेस ने एक नकली आदिवासी को यहां पर नेतृत्व का मौका दिया था और अजीत जोगी पर उन्होंने निशाना साधा है, जोगी परिवार पर भी निशाना साधा है। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है कि कांग्रेस ने आदिवासी नकली आदिवासी को मौका दिया था और उनके नेतृत्व में कांग्रेस काम कर रही थी, क्योंकि 2003 में नंद कुमार साय ने भी मरवाही से चुनाव लड़ा था, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि प्रदेश में आदिवासी नेतृत्व की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, प्रदेश है, लेकिन जिस तरह से लगातार यहाँ पर चुनाव दर चुनाव हो रहे हैं लेकिन आदिवासियों को यहाँ पर नेतृत्व का मौका नहीं मिल रहा है। तो साफ तौर पर क्योंकि नंद कुमार साय पहले भी आदिवासी नेतृत्व की मुखालफत यहाँ पर वो कर चुके हैं भाजपा में भी, क्योंकि जब भी भाजपा में यहाँ पर सरकार रही उस दौरान भी नंद कुमार साय ने इस बात का जिक्र किया था कि प्रदेश में आदिवासी नेतृत्व की जरूरत है। इस बार एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने प्रदेश में आदिवासी नेतृत्व की जरूरत यहाँ पर बताई है। जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र।